सरकारी योजना और घोटालों का पुराना नाता रहा है। सरकार चाहे किसी की रही हो, प्रदेश में घोटालेबाज कोई न कोई रास्ता खोज ही लेते हैं और नए नए घोटालों को अंजाम देने का काम चलता रहता है। भ्रष्ट अफसरों और दलालों की गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक और लाभकारी योजना में घपला किया है। इस बार भ्रष्ट अफसरों और दलालों ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सरकारी धन को हड़पा है। 30,000 रुपए के लिए 21 महिलाओं को विधवा बना दिया गया है, जबकि असलियत में उनके पति अभी भी जिंदा हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की थी। योजना में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया की 60 साल से पहले असामयिक मौत पर पत्नी को 30,000 की रकम सहायता राशि के तौर पर मिलती है। भ्रष्ट अफसरों और दलालों ने गरीब विधवा महिलाओं को मिलने वाली इसी 30,000 रुपए की रकम को हजम कर लिया। चित्रकूट, बलरामपुर, गोरखपुर, कानपुर में इस योजना में घोटाले की शिकायतें पहले की जा चुकी हैं। ताजा मामला राजधानी लखनऊ के दो इलाकों से सामने आया है, जहां 21 ऐसे फर्जी लाभार्थी मिली हैं, जिनके पति जीवित होने पर भी इस योजना का उन्हें लाभ मिला और उनके खाते में 30,000 की रकम जमा करवाई गई। आज तक चैनल की खबर के मुताबिक लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील के बंथरा और चंद्रावल गाँव में साल 2019-20 और 2020-21 में कुल 88 लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया था। शुरुआती जांच में सामने आया कि लाभ पाने वाली इन महिलाओं में 21 महिलाएं ऐसी थीं जिनके पति जीवित हैं और महिलाओं को फर्जी ढंग से भुगतान किया गया। बताया जा रहा है कि इस फर्जी भुगतान में दलाल और भ्रष्ट अफसरों का कमीशन तय था। लाभार्थी महिला को 30,000 में से 10 से 15,000 रुपए ही मिले, बाकी रकम दलाल और अफसरों ने बांट ली। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले गोरखपुर, बलरामपुर, चित्रकूट, कानपुर समेत कई जिलों में ऐसी गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं, जहां पर स्थानीय जिला प्रशासन ने विभागीय कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया। फिलहाल लखनऊ से जुड़े इस मामले में प्रमुख सचिव का कहना है कि इस मामले में जांच करवाई जाएगी, जांच में जो भी केस फर्जी पाए जाएंगे दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।